बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पांजे वतन अजीज पाकिस्तान जे सबनी शहरन सा चाहे वो पाकिस्तान जे अंदर रहंदा होजन या वो पाकिस्तान का बाहर यानी ओवरसीज होजन पूरे पाकिस्तान जे सबनी शहरन सा खास तौर ते पांजे सिंध सूबे जे सिंधी भाइरन सा भेनरन सा बुजुर्गन सा मुखातिब थींदे मां हिकिड़ो नंढो अर्ज़ु करणु चाहियां थो त मूंखे ॿिनि टिनि ॾींहनि खां वठी पंहिंजे पर्सनल वाट्सअप ते दोस्त जेके हुजती दोस्त आहिनि जेके मुंहिंजा सिंधी भाइर आहिनि या जेके उर्दू स्पीकिंग जा जेके मुंहिंजा दोस्त भाइर आहिनि उहे मूंखे मैसेज पिया कनि त साईं तव्हां पंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़ुल्फ़िकार अली सरतो ते कॾहिं सिंधीअ में लेक्चर था ॾियो कॾहिं उर्दूअ में लेक्चर था ॾियो इहो हुन जो हिकिड़ो सुवालु आहे ऐं बहितरीन राय आहे जेका मां सम्झां थो त उन्हनि खे पंहिंजे उन राय जो जवाबु ॾियणु मुनासिबु हूंदो ऐं सम्झाइण जी हद ताईं त कॾहिं सिंधीअ में लेक्चर था ॾियो कॾहिं उर्दूअ में लेक्चर था ॾियो कॾहिं कानून जे बारे में लेक्चर था ॾियो कॾहिं जनरल नॉलेज जे बारे में पॉलिटिक्स जे हवाले सां सियासत जे हवाले सां मज़हब जे हवाले सां हिकिड़ो लेक्चर ॾियो था त छो न तव्हां पंहिंजो कानून जे हवाले सां अलॻि हिकिड़ो यूट्यूब चैनल ठाहियो जनरल नॉलेज जे हवाले सां अलॻि यूट्यूब चैनल ठाहियो ऐं सो पॉलिटिक्स जे हवाले सां हिकिड़ो यूट्यूब अलॻि ठाहियो उर्दू जे हवाले सां अलॻि ठाहियो अंग्रेज़ी जे हवाले सां अलॻि ठाहियो यूट्यूब चैनल ऐं सिंधी ज़बान में जेकॾहिं तव्हां को लेक्चर ॾियो था कंहिं पॉइंट जे हवाले सां चाहे सियासत हुजे कानून हुजे मज़हब हुजे उन ते अलॻि तव्हांजो यूट्यूब चैनल हुजणु खपे हिकिड़े चैनल ते सॼो मवाद जेको ॾियो था इहो तव्हां छा सम्झी करे माना इहो सॼो हिकिड़ो माहौल ठाहियो आहे त सॼो माहौल गॾु हुजे मां उन सभिनी दोस्तनि खे पंहिंजे हिन व्लॉग जे थ्रू हिकिड़ी नंढी गुज़ारिश करणु चाहियां थो या उन दोस्तों से जो उर्दू स्पीकिंग जानते हैं बोलते हैं उन सब से मुखातिब होकर और उन दोस्तों से हु आर ओवरसीज पाकिस्तानीज मीन्स अब्रॉड रिजाइडिंग अब्रॉड बट दे आर द पाकिस्तानीज एंड दे नो द इंग्लिश ओनली they cannot speak or understand the Sindhi language koshish kar raha hu ke sabko mutammin karu aur sabko saath lekar chalu chahe Sindhi boli galaindar hojan ya Urdu speaking mere bhai hu jo sirf Urdu jante hain aur wo dost jo they know nothing about the Urdu or Sindhi language they only can understand they only understand the english language un sab ke liye maine ek pakistani hone ke nate tino languages mein koshish kar raha hu ke ek hi youtube channel pe Zulfiqar Ali Sarto youtube channel pe koshish karu ke main english urdu aur sindhi सिंधी उन दोस्तों के लिए उन भाइरों के लिए जो दूर दराज इलाकों में देहाती इलाकों में मेरे देश के मेरे सिंध के रहवासी मेरे भाई मेरे बहन इनको उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज न समझ आती है और न बोलने आती है तो इस वजह से मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा जो टाइम दिया है वो सिंधी लैंग्वेज पर इसीलिए दिया है ताकि दूर दराज इलाकों जो देहाती इलाके हैं सिंध के अंदर वहाँ पे कुछ ऐसे मेरे भाई मेरे सिंध के रहवासी हैं जिनको उर्दू मीडिया के हवाले से जो चैनल हैं या अखबार है वो एक तो पहुँचती नहीं है वहाँ दूसरी वो अगर पहुँचती भी हैं तो कई लोग ऐसे हैं मेरे सिंध के हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो जानते नहीं उर्दू क्या है और अंग्रेज़ी क्या है एडुकेशन तालीम की कमी इल्म की कमी की वजह से इल्म है ही नहीं वहाँ तो मैंने कोशिश की है ताकि तो सियासी शऊर भी हो उन लोगों को सिंधी वो समझते हैं सिंध के लोगों की आवाज़ वो समझते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे ये कोशिश की है कि उन्होंने दोस्तों ते उन पंजे सिंधी मारवाड़न ते मैं पंजे सिंधी बोली के हवाले से उन अंग्रेज़ी उन उर्दू उन सभी माहिरन के पंजे सिंधी बोली में ट्रांसलेट करे उन दोस्तों ते मैं पहुँचाया चाहे वह कानून की बोली हुए अक्सर करे कानून अंग्रेजी में आए इन करे उन कानून के अंग्रेजी में पढ़ी करे मां उनके ट्रांसलेट उर्दू बिन
उन्हें का वधीक सिंधी बोली में करे मां सिंधी जे मारवड़न ताई सिंध जे उन्हें ला इल्म मानन ताई मुझो आवाज पहुंचे तो वो कानून का वाकफत हासिल कर सकन ए लुत्फ अंदोज थियन ए ज्ञान हासिल कन। इन करे मां सिंधी बोली के तमाम घणी अवलियत दिनी है पाने ने यूट्यूब चैनल में। देन आफ्टर उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाइयों के लिए भी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अपने वीलॉग यानी वीडियो मैंने रखी हुई है, चाहे कानून के हवाले से हो या पॉलिटिक्स के हवाले से हो, सिंध के अंदरूनी हालात के हवाले से भी मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत काम किया है, और अंग्रेजी में भी कानून के हवाले से नेब का सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट था इस मुल्क में, अभी इस पीडीएम गवर्नमेंट ने उसका जो हशर किया है वो तो सारे पाकिस्तान के सारे शहरी जानते हैं, खास तौर पे वो लोग जानते हैं जो उर्दू जानते हैं, और सोशल मीडिया पे अक्सर करके जो उर्दू लैंग्वेज देखी जाती है बोली जाती है, और वीलॉग जो एंकर्स हैं इमरान रियाज की तरह भी ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में जो नामवर हैं, अरशद शरीफ है, समी इब्राहिम है और साबर शाकर हैं, ये सारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं पाकिस्तान के वो अक्सर कर उर्दू स्पीकिंग के हवाले से लेक्चर देते हैं और एंकरी करते हैं यानी सहाफत करते हैं। तो पाकिस्तान के लाखों ने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उर्दू को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, इसलिए वो तो जानते हैं पीडीएम ने जो हशर किया नेब का। तो सिंध के अंदर ये लोग जानते नहीं पीडीएम है क्या और ये नेब क्या है, क्या हशर हुआ है नेब से। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि नेब और जो भी सियासत या जो लोकल पॉलिटिक्स लोकल मसाइल हैं वो मैंने सिंधी में अपने सिंध वासियों को सुनाने के लिए उनको समझाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे काम किया है एक दो साल से। तो उस वजह से मैंने नेब के हवाले से जो सबसे ज़्यादा और बेहतरीन लेक्चर मैंने आज तक जो अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है, सारे लेक्चर अच्छे होंगे, सब ने देखे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सब ने पसंद भी किया होगा। तो इस वजह से मैंने नेब के हवाले से भी लेक्चर दिया है, नेब के हवाले से जब मैंने व्लॉग बनाया था जो लेक्चर दिया है वो उर्दू में दिया है, अंग्रेज़ी में भी मैंने कोशिश की है, ताकि तो मैं जो दोस्त अंग्रेज़ी को अच्छी तरह जानते हैं, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी जानते हैं, वो इसको देखें और समझें, यानि सारी कैटेगरी के लोग मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल ज़ुल्फ़िकार अली सर यूट्यूब चैनल पे लैंग्वेजेस के हवाले से हों या जनरल नॉलेज के हवाले से हों, कानून के हवाले से हों, लोकल पॉलिटिक्स और कंट्री जो मुल्क की सियासत है उस हवाले से हों, यानि सबको समा के एक ही अपने यूट्यूब चैनल में मैंने रखी हैं, और मैं शेयर करता रहता हूँ व्लॉग की सूरत में, और पारे पाकिस्तान के सारे शहरों को ओवरसीज हों, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान के अंदर अभी रह रहे हों, सिंध के लोग हों ख़ास तौर पर जिनको इसका इल्म ही नहीं है कि ये कानून क्या है, कानून होता क्या है, ये गवर्नमेंट क्या होती है, क्या चल रहा है पूरे पाकिस्तान में सिंध में, ये जो अभी तबाही हुई रेनफॉल के हवाले से ये फ्लड हुई है, ये जो तबाही हुई बरसातों बारिशों की वजह से उसमें क्या क्या हुआ, ज़िले नौशहरो फिरोज़ के हवाले से भी मैंने कोशिश की है कि अपने ज़िले नौशहरो फिरोज़ वाले लोगों को मैं उठाऊँ और उसको समझाऊँ आगाही दूँ कि ज़िले नौशहरो फिरोज़ का डीसी कैसे करप्ट माफिया से मिला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सबसे मैंने मुखातब होकर उनको गुजारिशात की है बट इन सिंधी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे सिंध के लोग जानते ही नहीं हैं, देहात इलाकों में जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती वो सारे सारे ज़िंदगी या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है सिर्फ इस मसरूफियत में लगाते हैं कि कहीं ना कहीं से मुझे हमें सिर्फ रोटी मिल जाए, पेट भर के खाएं, रात को सोएं, ज़िंदगी मफलूज बना दी है कुछ माफिया ने हमारे सिंध के लोगों को, इल्म है ही नहीं, इल्म है ही नहीं, एडुकेशन का मयार कम है, जो लोग ऊपर हैं उनको भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सिंध के लोगों को जो पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गए हैं, उनको भी मैं गुजारिश अपील करता हूँ भाइयों की तरह कि आप अपने अपने इलाके में एक एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी पैदा करें, बनाएं, किसी अच्छे से टीचर को 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे आप एक घंटा भी रोज़ाना उनको कहें
कि आप अपने गांव में लेक्चर दें, एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस दें, पॉलिटिक्स के हवाले से अवेयरनेस दें, किस्म की आगाही दें अपने लोगों को, अपने गांव को। ये आपका सदका होगा और कयामत तक ये आपको उस नेकी में शामिल करता जाएगा जहां पे बड़े बड़े लोग नहीं पहुंचे। आपने उन लोगों को खड़ा किया है जो तस्वर भी नहीं कर सकते कि उनके गांव में ऐसा माहौल होगा। मैं आप सबको गुजारिश करता हूं, सिंध के लोगों को, देहाती इलाकों को, ये खैरात, ये सदका, ये सब कुछ आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, इकदाम है। मैं आपको ये कभी नहीं कहता कि आपका ये सदका, खैरात या किसी से प्यार करना, मोहब्बत करना, ये सब कुछ अच्छी बात है, ये बेहतरीन इंसान की निशानी है। लेकिन इससे भी बड़ी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको काम आएगी वो है शऊर, इल्म। क्योंकि हमारे नबी ने सबसे पहले जिस चीज़ का अल्लाह से या अपने जहन में अपने तालीमात के हवाले से जो काम किया वो इल्म पे किया, किसी और हेल्थ वगैरह कुछ पे नहीं, न बिल्डिंग बनाने में, न किसी चीज़ को ज़मीनें बनाने में, जागीरदार बच्चा हो जाए, अमीर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी नहीं, डिग्री हो या ना हो, लेकिन इल्म हो तो वो माशरा खुद ब खुद उठ के खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सारे सिंध के लोगों को या गुजारिश कियां तो हथ बधी करे गुजारिश कियां तो पांजे इलाके, पांजे गोठ के अंदर, पांजे अंदर जेके खुशहाल मानू, जेको खुशहाल मानू आ, जेको समझे, जेका अल्लाह से कम वठे, वो पांजे गोठ के अंदर एकड़ ओताक जो कमरो, स्कूल जो कमरो, प्राइवेट को कमरो, जगह जो कमरो, जेको शहर में वेठान पे जगह बंद पई आ, गोठन में मेहरबानी करे पांजे गोठ में फ्री ऑफ कॉस्ट एकड़ो टीचर रखो, जेको मुफ्त में ट्यूशन हुए, बस स्कूल हलन न हलन, सिंध गवर्नमेंट इदारा खोले न खोले, तवाजी तलीम जेका ट्यूशन जी है वह जारी सारी रहे। तुम ऐसो तो तुम गोठ, तुम इलाको किए तो इल्म से रोशन थी वे, बाकायदे तुम ऐसा वो तो बाकायदे बेहतरीन सहाफ़ी पैदा थन्दा। सिंधी मीडिया के मैं गुजारिश क्या तो इलाक में, दूर दराज इलाक में वनो, कानून जहा शागिर्द खड़ी करें प्रोग्राम में आणो, सेहत जहा शागिर्द खड़ी करें टेलीविजन चैनल से रखो, उन्होंने सीखो, उन्होंने इल्म वो कानून के माहिरन का, साफिन का, जेके रिटायर्ड इंजीनियर हैं, जेके रिटायर्ड जजन जस्टिस हुजन या जजेस हुजन, डॉक्टर रिटायर्ड हुजन, यानी हर किस्म के तबके के अकाउंटेंट हुजन, जेके सेक्रेटरी लेवल जा जेके सिंध जा जेके बेहतरीन ऑफिसर होशियार थी रिटायर थियन, उन सभी के तुम टाइम दई वठी करे पांजे सिंधी मीडिया ते उनन का पुछो, उनन का सवाल जवाब कयो, उन्हनि खां अहिड़ा प्रोग्राम टाइम वठी करे सिंध जे अवाम में शौर पैदा करण जे लाइ हिकिड़ी तव्हांखे तमामु बहितरीन मां सजेशन पुॼा तव्हां कयो, महिरबानी करे सिंधी मीडिया खे, वकील बिरादरीअ खे मां ख़ासि तौर ते गुज़ारिश कयां त ख़ासि तौर ते बसि उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी रुगो महिरबानी पंहिंजे ज़िले पंहिंजे इलाइक़े ते कनि, त ऑडिट जेके इदारा आहिनि लोकल गवर्नमेंट जा हुजनि, एजुकेशन जा हुजनि, सिहत जा हुजनि, उन्हनि ते कड़ी नज़र रखनि। जे डी सी आहे करप्ट, असांजे ज़ोरले नेशर फिरोज जो करप्ट तरीन, मां सम्झा थो त मुंहिंजी तारीख़ में अहिड़ो राशी करप्ट ऐं नाल माण्हू मां ज़िंदगीअ में डी सीअ जे पोस्ट ते कॾहिं न ॾिठो। इन करे मां चीफ मिनिस्टर सिंध खे साईं मुराद अली शाह साहब खे इहा गुज़ारिश कयां त को असांजे सिंध जो ॼाओ, को सिंध जो डोमिसाल रखंदड़, सिंध जो डोमिसाल रखंदड़ माण्हू ज़िले नौशहर फिरोज़ में तव्हां रखो, उनखे बि कम से कम इन शइ जो अहसासु थींदो त हे मुंहिंजे सिंध धरतीअ जा मारोड़ आहिनि, मां उन्हनि जो रुपयो भेरियो न कयां। त कम से कम असांजो पंहिंजो मिटी ॼाओ त माण्हू रखो, असांखे उन कंहिं बि सिंधी ऑफिसर ते को बि एतिराज़ु कोन्हे को। हीअ हिकु माफ़िया आहे जेका अलाए किथां आई वरी हलियो वेंदो, उॾामी केरु हिन खे ॻोल्हींदो। तंहिंजे करे महिरबानी करे असांजे सिंध जे मारवाड़नि ताईं इल्मु पहुचाइण जे लाइ ट्यूशन सेंट, इन करे मां सभिनी दोस्तनि खे मुखातिबु थींदी करे, उन्हनि दोस्तनि खे जिन मैसेजिस कया उन्हनि खे वरी बि मां हिकु दफ़ो पंहिंजे उन मैसेजिस जे हवाले सां हिकिड़ी वज़ाहत कई ऐं आख़िर में बि हिकिड़ी नंढी वज़ाहत कंदो हलां उन सां गॾो गॾु, त मां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿ टे लैंग्वेजिस पंहिंजे यूट्यूब चैनल में इन करे रखियूं त जीअं हर क़िस्म जो माण्हू इहो न सम्झे त हे सिंधी माण्हुनि जो लेक्चर आहे, उर्दू माण्हुनि जो लेक्चर आहे, हीअ अंग्रेज़ी वारनि जो लेक्चर आहे, उर्दू आहे सिंधी माण्हू अहिड़ो सम्झे त हे उर्दू अलाए छा थो ॻाल्हाए, वरी अंग्रेज़ी वारो चवे त हीअ सिंधी अलाए छा थो ॻाल्हाए, सिंधी वारो चवे त अंग्रेज़ी जो अलाए छा माहौल आहे, असांखे ख़बर ई कान्हे। इन करे जेको माण्हू जंहिं ॿोलीअ में, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में अंग्रेज़ी उर्दू सिंधी जे हवाले सां तमामु बहितरीन कमु थी रहियो आहे, सिंध जा 3-4 करोड़ माण्हू सिंधी सम्झनि था, पूरो पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग जे हवाले सां
नेशनल लैंग्वेज असाजी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 251 के तहत असाजे 1973 में डिनल है तो वह नेशनल लैंग्वेज जी होंगी वह उर्दू होंगी। आर्टिकल 28 भी तुम दिसो आईन पाकिस्तान 1973 उनमें भी उर्दू के हवाले से जिक्र थल है। इन कर चवान तो उर्दू लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान में पर सिंधी असा मारोड़ा समझ नेशनल लैंग्वेज है। इल्म की कमी इल्म है को इन कर पूरी सिंधी बोली के समझने में अखबार अक्सर कर नौजवान या असाजा वेचारा खोड़ सारा अड़ा इलाका जिते सिंधी अखबार पढ़ने के लिए भी मुश्किल पैदा थी थे वो इन लाइ तो अस में का एनर्जी ना असा के इल्म दिनों ही को असा के सुजागी दिनी कान इल्म की रोशनी का असा के महरूम रखे हुए एक पीढ़ी जैसे इल्म की रोशनी का महरूम थी तो वह सदन तक उन शे जो असर तो रहे। इन कर सभी दोस्त के गुजारिश क्या तो वजाहत भी कह हल तो टिन्हीं बोलन में पाँचे यूट्यूब चैनल के रखो है हिसाब से बेहतरीन कदम यो सोचे समझे के है तो पूरी पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के हवाले से पूरे सिंध के खास तौर से उन सभी सिंधी मारोड़न के गुजारिश क्या कि तवाज ला खास तौर से इन कर प्रोग्राम शुरू किया है तो जी तुम हर किस्म की बोली का हर किस्म के सब्जेक्ट का चाहे कानून के हवाले से खास तौर से कानून के हवाले से पॉलिटिक्स के हवाले से सियासत चाहे तुम असो सब का बुनियादी जो बचाव है वो सियासत में आ तेरे करे हर गोठ जो बच्चो बच्चो नौजवान के सियासत करण खपे सियासत में लहो सियासी मैदान में अचो सियासत करण सीखो साफत के मैदान में अचो कानून के मैदान में अचो कम से कम जो सफा तक कें किस्म जो काम ना है तो नंढे का नंढो काउंसलर की सीट पर आवाज खड़ो कर पाँजो उथो जैसी तन वडेर जागीरदार के तह अखियों अखियन में गाली जात उनकी पाँगी सियासत हो तो सिर्फ ए सिर्फ मंशूर ये हो असा के पांजे इलाके जी खिदमत करनी है असा उन्हें जिला सुजाग थे उतो सुजाग जो ही वक्त है तवा असा सिंधी मानन जो पूरी मुल्क में असा सिंध के साराहे वींदो आहे तो सिंधी मानू टैलेंटेड आहिन होशियार आहिन सिंधी सिंध मां पाकिस्तान जो वजूद थियो सिंध मां यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना पैदा थियो सिंध मां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा थियो सिंध मां शहीद मोहतरमा रानी बेनदीर भुट्टो पैदा थी सिंध मां जस्टिस पैदा थे सिंध मां परवेज मुशरफ पैदा थो ये असि सिंध है जै एडा वा जर्नेल वा जजेस सियासतदान कानूनदान बानी पाकिस्तान पैदा क्या छो न अस उन एनर्जी के उन वन जहनन के ऐसी कर अस भी उन नक्शे कदम से हली कर अस भी धरती के लिए मुल्क के लिए को किरदार अदा क्यों जिंदगी उन नस्ल के सुजाग कर वक्फ़ क्यों नस्ल के संवार तीन वही मेहरबानी।